बॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत है। आजकल सीक्वल का जमाना है, फिल्म आई नहीं कि सीक्वल पहले ही अनाउंस हो जाता है। बात हो शाहरुख खान की तो सीक्वल तो आना ही है। जी हाँ, आपने शाहरुख खान की डॉन तो देखी होगी, उसके बाद 2011 में आई उसकी सीक्वल डॉन 2। हाँ वो ठीक है कि आपको डॉन पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर भी डॉन 2 आई। वो अलग बात है कि आप शाहरुख खान को देखने के लिए फिर भी चले गए थे सिनेमा हॉल तक, है ना। लेकिन खबर ये आ रही है कि अब डॉन 3 की तैयारी हो रही है। मतलब ये क्या बात हो गई, कोई जबरदस्ती है क्या? शाहरुख खान ने एक इवेंट में बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि डॉन 2 के बाद डॉन 3 आने की संभावना हो, लेकिन फरहान अख्तर के पास कोई स्टोरी नहीं है। शाहरुख खान का कहना है कि रावण की सीक्वल भी आ सकती है, लेकिन फरहान अख्तर के पास उसकी भी स्टोरी तैयार नहीं है। अब एक बात बताओ, इससे पहले जब डॉन फ्रेंचाइजी की मूवीज आई हैं तो क्या तब स्टोरीज तैयार थी? कभी कभी लगता है कि मेकर्स के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अगर उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता तो ये सीक्वल की बात नहीं आती। जी हाँ, आखिर मेकर्स जनता से चाहते क्या हैं? सीक्वल के बारे में सोचने लगते हैं, खासकर डॉन जैसी मूवीज के बारे में। हद तो तब हो जाती है जब मेकर्स रावण जैसी मूवी की सीक्वल के लिए स्टोरी तक लिखते हैं। कुछ भी हो, अगर इसमें से कोई भी मूवी आती है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक मूवी आने वाली है जिसकी कोई स्टोरी नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ये चैनल।